सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल हेल्प चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अगर यार आप भी एंड्रॉइड फोन का यूज करते हो तो ये समस्या तो आपके सामने भी अब आ रही होगी कि आपके फोन बैटरी बैकअप काफी हद तक घट चुका है। जिस तरीके से आपकी बैटरी आपके फोन बैटरी काम कर रही थी, जिस तरीके से आपका बैकअप काफी अच्छा था अब से पहले, लेकिन अब जाकर वो बैकअप आपको कम मिलना शुरू हो गया है। तो क्यों आपको बैकअप कम मिला है, क्यों आप फोन बैटरी बैकअप को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे और किस तरह आप अपने फोन बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बन रही है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी धांसू ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिस ट्रिक की मदद से आप अपने फोन बैटरी बैकअप को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं इस ट्रिक को यूज कर चुका हूँ तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी प्रॉब्लम है आपके फोन बैटरी बैकअप से तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और जिस तरह मैं आपको सेटिंग बताऊंगा आपको उसी तरह सेटिंग करनी है और आपका फोन बैटरी बैकअप 101% काफी हद तक बढ़ जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उस ट्रिक का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन करनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको इनेबल करना होगा डेवलपर ऑप्शन, अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप जाइए अबाउट फोन के अंदर और आपको यहाँ पर मिल जाएगा वर्जन, तो आपको यहाँ पर 7 times टैप करना होगा, इनको आपको 7 times लगातार यहाँ पर इसको टैप करना होगा। अगर आपके फोन पर वर्जन नहीं है तो आपको यहाँ पर मिलेगा बिल्ड नंबर, तो आपको यहाँ पर 7 times लगातार टैप करना होगा तभी आपको एक ऑप्शन इनेबल मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 7 times टैप नहीं करोगे तो आपको वो ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। तो आपको लगातार 7 times यहाँ पर टैप कर देना है, फिर आप बैक आइए, फिर आपको चाहिए एडिशनल सेटिंग में, फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब तक कि आप वहाँ पर 7 times टैप नहीं करोगे लगातार तो ये ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं स्कोर को डाल लेता हूँ, फिर हम यूज़ पर क्लिक करते हैं। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है नो बैकग्राउंड प्रोसेस, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब इस सेटिंग के फायदे क्या होंगे, दोस्तों आपको मालूम है कि आपके फ़ोन बैकग्राउंड में कितनी ऐप रन करती हैं और जो आपकी बैटरी को कंज्यूम करती रहती हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस सेटिंग को इनेबल कर देते हो तो जो भी ऐप आपके बैकग्राउंड में रन कर रही थी वो सभी ऐप यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। जिसके आपने आपका फ़ोन लॉक कर दिया और उसको कहीं पर आप यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन उस समय भी बहुत ऐप ऐसे होते हैं जो आपके बैकग्राउंड में रन करती रहती है और आपकी बैटरी जो आपकी पावर होती है कंज्यूम करती रहती है। आप ही सोचिए अगर किसी भी जिसकी बैटरी है अगर हम इसका लोड थोड़ा कम कर दें तो हमारे फ़ोन की बैटरी बैकअप कितना अच्छा हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक हमें बैकअप मिल सकता है। क्योंकि मैं इस ट्रिक को यूज कर चुका हूँ, इससे आपकी जो बैकग्राउंड रन कर रही ऐप है वो सभी क्लोज हो जाती हैं और इससे आपका फ़ोन बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। दोस्तों मैं यकीन के साथ कहता हूँ आप एक बार इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना ज़रूरी है तभी आप इस ट्रिक का यूज़ कर पाओगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फिर मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।